चलो यार, यस आई गाइस, दिस साइड सी एस हरीश मथारिया एंड हम लोग 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग सब्जेक्ट देख रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट के बारे में बताई है। डन, चलो आ जाओ, एक बार फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। डन, चलो स्टार्ट करें क्या? बच्चों, अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता होगा, हिसाब किताब, है ना। बिजनेस में जो भी व्यवहार हो रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, हम लोगों को उन सारे ट्रांजेक्शन्स को लिख करके रखना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट, जो हमने अभी तक देखा है, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन को याद करके नहीं रख सकता है। एंड अकाउंटिंग बेसिकली जब भी मैं बात करता हूँ तो तीन तीन स्टेप्स आती है। सबसे पहले तो अकाउंटेंसी, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमने अभी तक नहीं देखा है। अकाउंटेंसी में क्या आता है? अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में क्या आता है? बुक कीपिंग। जैसे भारत देश में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में पुणे, भारत में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पुणे, है ना। वैसे अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग। बेसिकली बुक कीपिंग ये सबसे पहली स्टेप है। अकाउंटिंग की सबसे पहली स्टेप क्या है बेटा? बुक कीपिंग। जब तक आप बुक कीपिंग नहीं करते हो तब तक आप अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो, है ना। अकाउंटिंग कब स्टार्ट होता है? बुक कीपिंग के बाद। और सर, ये बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग यानी वही जो हम लोग पिछले लेक्चर में कर रहे थे, बिजनेस में जो भी व्यवहार हो रहे हैं उनकी एंट्री मारना, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनकी एंट्री मारना। तो एंट्री मारना, जर्नलाइज करना, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखना। फिर से एक बार, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखना, मतलब आसान भाषा में क्या है? बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग बेसिकली क्लरिकल वर्क है ना। सो बुक कीपिंग होने के बाद आपका रहेगा अकाउंटिंग। और सर, अकाउंटिंग में क्या आता है? वो तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, बट फिर भी आपको एक अंदाज दे देता हूँ। सो सबसे पहली स्टेप है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर में हम लोग बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स का लेखा जोखा रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज मार के रखते हैं डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, जर्नल एंट्री, है ना। जैसे बिजनेस में ओनर ने कैश लेके आया तो कैश टू कैपिटल, मशीन परचेस किया कैश में मशीन टू कैश, मशीन परचेस किया उधारी में बाहुबली से मशीन टू बाहुबली, मशीन बेच दिया कैश टू मशीन, हमने एंट्रीज पास कर ली सारी। ये एंट्रीज जो हमने पास किया ये आता है बुक कीपिंग में। और बुक कीपिंग खत्म होने के बाद शुरू होता है अकाउंटिंग। और सर, अकाउंटिंग में क्या आता है बेटा? अकाउंटिंग में आता है बिजनेस में हमने एक पर्टिकुलर पीरियड में जो भी व्यवहार किए हैं उनसे हमें फायदा हुआ है के नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ है के लॉस हुआ है, ये पता करना है। ये अकाउंटिंग में आता है। एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे बिजनेस की औकात क्या है, यानी बिजनेस में कितनी असेट्स और लाइबिलिटीज है, वो स्टेटमेंट का पता लगाना, यानी हम लोग बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा रहे। प्रॉफिट और लॉस जिस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस में एक पर्टिकुलर डेट पे कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, ये जिस स्टेटमेंट से पता चलता है उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। और सर, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की आप बातें कर रहे हो, ये कहाँ पे आता है? ये अकाउंटिंग में। सो पहले होती है बुक कीपिंग साल भर तक, और साल के आखिरी में अकाउंटिंग ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम लोग बनाते हैं ये स्टेटमेंट्स। कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। इन स्टेटमेंट्स को कलेक्टिवली हम लोग प्यार से फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं मेरे साथ साथ बोलना है बेटा? फिनेंशियल स्टेटमेंट, यस और नो, पक्की बात। सो फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ये आता है अकाउंटिंग में। ट्रांजेक्शन की एंट्री मारना है, ये आता है बुक कीपिंग में। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बगैर बुक कीपिंग के अकाउंटिंग नहीं सीख सकते। इसीलिए 11th स्टैंडर्ड में हमारे सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो उसमें हमने क्या स्टार्ट किया? इंट्रोडक्शन में, बेसिक्स में बुक कीपिंग स्टार्ट किया है। कुछ थोड़ी बहुत लिंक लग रही है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कहाँ है? पक्का डन, आगे बढ़ू? चल आ जाओ। सो उसके बाद ध्यान देना, सब लोग साथ में मुन्ना। चल, क्यों अकाउंटिंग करते हैं? अभी हमने देख लिया था। बेसिक टर्म्स देखा था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
बिजनेस गुड्स परचेज सेल डिस्काउंट एक्सपेंस असेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन रेवेन्यू एक्सपेंस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिबेट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें मैंने ये आखिरी के जो तीन है ये अभी तक पढ़ाए नहीं है, ये आगे आने वाले हैं पर्पसफुली। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था डिटेल में। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस में असेट पैदा होती है या असेट की कैपेसिटी कैपेबिलिटी इफिशियंसी या परफॉर्मेंस बढ़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंस बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने में या बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। आगे आएगा, डोंट वरी, वापस आएगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड किया था। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू हैं और रिकॉर्डिंग करने के लिए एक सिंपल सा रूल है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं, डेबिट करो, कम हो रहा है क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट, मेरे साथ साथ बोलना मुन्ना, लोग पागल बोलेंगे, बोलने दो, लेक्चर देखते देखते आप भी चीखो जोर जोर से। डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, क्रेडिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, अपोजिट बोलने का काम नहीं, यस और नो। चल उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन ये मैंने आप लोगों का एक क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने आपको पूछा था कि हर एक अकाउंट का बैलेंस मुझे बता दो, कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस है। देन बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल की सारी एंट्रीज मैंने आपको लॉजिक वाइज और फॉर्मेट वाइज बताई थी कि फॉर्मेट कैसे क्या रहेगा। देन उसके बाद एग्जाम्पल्स की बरसात हमने लिया था जिसमें गुड्स परचेस वर्थ 1000 फॉर कैश, पार्टी का नाम नहीं दिया है, कैश के बारे में भी बोला नहीं है तो हम लोग समझेंगे कैश ट्रांजेक्शन है। पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में बोला है, कैश ट्रांजेक्शन है। अच्छा एक और चीज़ बताई थी, जब भी नगदी में व्यवहार होता है तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है, उधारी के व्यवहार में पार्टी का अकाउंट बनेगा, बराबर है ना। उधारी के व्यवहार में, उधारी के ट्रांजेक्शन में, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में, उधारी के ट्रांजेक्शन में, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पार्टी का अकाउंट बनेगा, यस और नो। उसके बाद सिंपल सा रूल था, एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस डेबिट बैलेंस, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस इनका डेबिट बैलेंस है कम हो रहा है क्रेडिट करो। आसान भाषा में ये टाइप के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बढ़ते तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। एंड लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन इनका क्रेडिट बैलेंस है बढ़ते तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से, ट्रांजेक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। एंड इन सभी का मैंने मतलब बताया हुआ है आपको। लाइबिलिटी फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, जैसे बैंक लोन ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। कैपिटल ओनर का जो कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है कैपिटल। क्रेडिटर्स पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है, पार्टी या पर्सन जिनसे इन फ्यूचर कुछ लेना है। डेटर पार्टी या पर्सन जिनको इन फ्यूचर हम कुछ देने वाले, क्रेडिटर, यस और नो, है ना। देन इनकम बिजनेस की ऑपरेटिंग रिसीट, धंधा करके जो भी मेरे पास रिसीट आ रहा है ना, तो वो मेरे लिए इनकम है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है सेल, इनकम है। इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है। रेंट मिल रहा है, इनकम है। कमीशन मिल रहा है, इनकम है। गेन विदाउट हार्डवर्क, बैठे बिठाए जो मेरे लिए फ़ायदा हो गया, जैसे बैठे बिठाए लॉटरी लग गई, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, सब गेन है। इनकम गेन का ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही है। उसके बाद मैंने आपको बताया था गुड्स परचेज वर्थ रुपीज़ 1000 फ्रॉम बाहुबली, इसमें तीन स्टेप थी, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, बताया, याद आया था बेटा। फर्स्ट स्टेप अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो, परचेस अकाउंट बाहुबली। बाहुबली क्यों बनाया यहाँ पे? ट्रांजेक्शन पढ़ा, ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद चेक किया, सेटलमेंट की इन्फॉर्मेशन दी है तो कैश ट्रांजेक्शन, सेटलमेंट के बारे में नहीं दिया है तो अगला सवाल पूछना है पार्टी का नाम दिया है कि नहीं दिया है। अगर सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है और पार्टी का नाम दिया हुआ है, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है और पार्टी का नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है और पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ है, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है और पार्टी का नाम भी नहीं दिया है तो कैश ट्रांजेक्शन। सर सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया मतलब बोला ही नहीं है कि ट्रांजेक्शन में पैसे दे दिए नहीं दिए, कुछ बोला नहीं है, ट्रांजेक्शन सेटल हुआ नहीं हुआ इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो सेटलमेंट इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन, और पार्टी का नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट। सेटलमेंट इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन, पार्टी का नाम दिया नहीं दिया हुआ है तो कैश। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। एनीबडी, क्लियर है, समझ में आ जाएगा सभी को। अब ट्रांजेक्शन पढ़ते ही नगद व्यवहार है कि उधारी है, सर ये जान के क्या कर लोगे आप व्यवहार नगदी है कि उधारी है? अरे बाबा उधारी वाले ट्रांजेक्शन में, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पार्टी का अकाउंट बनता है, कैश ट्रांजेक्शन में पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है। सर क्यों? क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन में जो भी कुछ है हमने लेना था ले लिया, पैसा देना था दे दिया इन द फॉर्म ऑफ कैश और कुछ भी हमने कंसिडरेशन दे दिया, माल आ गया, पैसा दे दिया, लेन देन बाकी नहीं है। लेन देन बाकी नहीं है मतलब पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा, बरोबर, पक्की बात, क्लियर, चलो आगे, डन।
देन उसके बाद और भी हमने कुछ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन लिए थे। गुड्स परचेज 1000 फ्रॉम बाहुबली एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड गुड परचेज 1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बरोबर है क्या? सो ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनता है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अक्रॉस द काउंटर फ्रॉम द ट्रांजेक्शन प्राइस ही माइनस हो जाता है, बैलेंस अमाउंट की ही अकाउंटिंग एंट्री होने वाली है। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, चलो आगे, पक्का, डन। चल उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम बाहुबली ₹1000, ये हमने देख लिया था, ये भी देख लिया था। डिस्काउंट में ट्रेड और कैश के बारे में बता दिया था। कैश डिस्काउंट ये कैश ट्रांजेक्शन पे ही रहेगा, अगर पैसा मिला तो कैश डिस्काउंट देंगे फॉर इमीडिएट रिकवरी, और पैसा नहीं मिला, उधारी वाला ट्रांजेक्शन है, तो उसमें कैश डिस्काउंट नहीं रहेगा। क्लियर, डन। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो। क्लियर है? पक्का? चलो आगे, डन। ओके, आ जाओ। सो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आ जाओ। चलो यार, सो अब देखो आपके अंदर अब इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि अब हम लोग सब्जेक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं, हम लोग सब्जेक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं। यस, पक्की बात, डन। चलो आ जाओ। सो ध्यान देना आप। यस, हाँ बेटा, एंट्रीज मारना आपको मैंने बताया और बेसिक बताया सब्जेक्ट का, आ जाओ। सर इसका मतलब अब तक जो पढ़ाओ काम का नहीं था क्या? बेटा यही सबसे ज्यादा काम का है जो अब तक पढ़ाया, इसी के भरोसे आपका अकाउंटिंग का जो बेस है वो बनने वाला है, पाया मजबूत होने वाला है, सब इसी के भरोसे रहेगा। अच्छा अब ये तो बात समझ में आ गई, बुक कीपिंग मतलब बेसिकली रिकॉर्डिंग आने वाला है, उसमें बेसिकली रिकॉर्डिंग आने वाला है। तो अब लिखो डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, बार बार पूछा हुआ एग्जाम में। आप सब लोग अकाउंट्स की नोट्स मेंटेन कर रहे हो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, कोई भी बच्चा बीच से अब्सेंट नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा लेक्चर बीच से नहीं छोड़ेगा, भारत का राष्ट्रगीत और अकाउंट्स का लेक्चर कभी अधूरा नहीं छोड़ते, तो प्लीज़ पूरा लेक्चर देखना, फायदा भी आपका नुकसान भी आपका अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो, बरोबर है? सो डेफिनेशन बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग का ये देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक बहुत ही महान इंसान थे जे आर बाटली बॉय, क्या नाम है? बाटली बॉय, एक आई तरी उगा विचार नहीं करा ऐसा, बाटली बॉय मंजे थी बाटली नहीं, जे आर बाटली बॉय उनका नाम है, ठीक है? इन्होंने डेफिनेशन दिया था बुक कीपिंग का, लिखो जे आर बाटली बॉय, इन्होंने डेफिनेशन दिया था बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मेरे आंखों में देखो, मेरे आंखों में देखो, हाँ अच्छे से ध्यान देना और सुनना, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स, जो भी बिजनेस की डील्स हो रही है व्यवहार, उन्हें रिकॉर्ड करना, कहाँ पे? इन अ सेट ऑफ बुक्स, लिख के बताता हूँ। बुक कीपिंग इम्पॉर्टेंट है, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स, बिजनेस डीलिंग्स मतलब क्या? जो भी बिजनेस के व्यवहार हो रहे हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? इन अ सेट ऑफ बुक्स, इन अ सेट ऑफ बुक्स। सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स, याद रहेगा डेफिनेशन हमेशा लाइफ टाइम। अरे अभी तक हम लोग बुक कीपिंग ही तो कर रहे थे पिछले दो तीन लेक्चर से,
ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की आर्ट को, कला को हम लोग प्यार से बुक कीपिंग बोलते हैं। बरोबर है, सिंपल है, क्लरिकल वर्क है एकदम। चलो, सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे तरफ मत देखो गुस्से से। ऐसा कौन बोल रहा है? जे आर बॉटली बॉय, जे आर बाटली बॉय। क्लियर, डन। एक और डिफिनेशन है, नॉट स्कॉट ने दिया हुआ है, लिख लो ये, आपने सभी ने लिखना है। भले ये नोट्स में रहेगा, भले ये सारी चीजें रहेगी, लेकिन हाथ के नीचे से जाने दो। एक बार अगर आप लिखोगे तो आपको याद रह जाएगा। बराबर है। चल, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी कुछ ऐसे ही बोला है, बस शब्द अलग है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये भी आर्ट की बातें कर रहे हैं। इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहां तक बिल्कुल कॉमन है। अब ऊपर में बात चल रही थी बिजनेस डीलिंग्स की इन अ सेट ऑफ बुक्स। अब यहां पे क्या है? इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आगे देखो क्या है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन क्या रिकॉर्ड करना है? द मॉनिटरी एस्पेक्ट्स, यहां से अलग है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। क्या रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। ऐसे ट्रांजेक्शन बिजनेस के, ऐसे कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो हम लोग पैसा या पैसे की कीमत में मेजर कर सकते हैं, द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। जबरदस्ती लंबे चौड़े वर्ड यूज कर रहा है साला ये। देखो, अल्टीमेटली कहना है तो वही है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस और नो? पक्की बात? डन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? जे आर बाटली बॉय, नॉट स्कॉट, दोनों का डेफिनेशन याद रहेगा। एक और बहुत प्यारा डेफिनेशन है कार्टर का, आर एन कार्टर, वो भी देख लो। चल, ये भाई साहब कहते हैं आर एन कार्टर, ये भाई साहब कहते हैं बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट। अच्छा, ये तो पहले आए, ये बुक कीपिंग को साइंस भी बोल रहे हैं। इज साइंस एंड आर्ट। सर, आम्हाला ये सगळं लक्षात ठेवावं लागेल का? ओ बाळा, इसीलिए मैं खुद हाथ से लिख रहा हूं, वरना बुक में प्रिंट करके दे देता, बोल देता पढ़ लो। लिखना है, समझना है, और पेपर में उल्टी करना है। लिखना है, समझना है, पेपर में उल्टी करना है। यस और नो? तो जितना इसको अभी टाइम दोगे उतना हमारे लिए एग्जाम में अच्छा रहेगा, आउट ऑफ आउट नंबर अगर चाहिए तो अकाउंट में। सो बुक कीपिंग इज, अब आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा वन सेंटेंस में, बुक कीपिंग ये साइंस है, ऐसा किसने बोला है? जे आर बाटली बॉय ने बोला है, कि नॉट स्कॉट ने बोला है, कि आर एन कार्टर ने बोला है? बरोबर है, तो किसने बोला? करेक्ट आंसर इज आर एन कार्टर। सो बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग, साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग, साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग। कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
क्या रिकॉर्ड करना है? ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन, ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट्स इन, बोलो बेटा, ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ सर, आपने डेफिनेशन लर्न किया है? हाँ मैंने लर्न किया है, इसीलिए मैं लिख पा रहा हूँ। सर हमें कैसे लर्न होगी? तीन चार बार रीड करोगे लर्न हो जाएगी, बट दिल से रीड करना है, इसलिए पहले समझा रहा हूँ। ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, पैसा या पैसे की कीमत में जो भी बिजनेस में ट्रांसफर हो रही है, उन सारी ट्रांसफर को करेक्टली रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसी को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। सर इसने साइंस क्यों बोला? सर इसने साइंस क्यों बोला? मन में सवाल आता है ना, ऊपर के दोनों लोग बोल रहे हैं आर्ट है आर्ट है आर्ट है, ये तो साइंस बोल रहा है। हाँ अब देखो अच्छे से ध्यान देना, साइंस के पीछे की वजह बता दो। साइंस विज्ञान मतलब क्या बेटा? किसी भी चीज़ के पीछे का कार्य कारण भाव समझना, किसी भी चीज़ के पीछे का कार्य कारण भाव समझना, उसके पीछे का फैक्ट समझना। तो अब आर्यन कार्टर साहब ने बोला कि बुक कीपिंग ये साइंस भी है, क्यों? क्योंकि हमें ये रीज़न बताता है किसी भी चीज़ के पीछे का। जैसे बिजनेस में कैश बढ़ी तो क्यों बढ़ी, बिजनेस में कैश कम हुई तो क्यों कम हुई, उसके पीछे का रीज़न हमें बताता है कौन? बुक कीपिंग। इसीलिए बुक कीपिंग को साइंस भी बोला है। आर्ट क्यों बोला है इसको? क्योंकि ये कला है, ट्रांजेक्शन को प्रॉपर फॉर्मेट में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना ये एक कला है, इसीलिए काटा साहब कहते हैं बुक कीपिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट। समझे? तो कार्टर बोल रहा है साइंस आर्ट है, नॉच कॉट ने बोला सिर्फ आर्ट है, बाटली बॉय ने बोला सिर्फ आर्ट है। सबसे प्यारी डेफिनेशन तुमको बाटली बॉय की लग रही है ना, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन द सेट ऑफ बुक्स। डोंट वरी, सारी डेफिनेशन इसी है। इसमें एक डेफिनेशन और है, इसमें एक डेफिनेशन और है रिचर्ड साहब की, सिंपल उनका कहना है बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू द पीरियोडिक स्टेटमेंट एंड इंटरप्रिटिंग सच रिजल्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द फ्यूचर ऑपरेशन। बट ये डेफिनेशन अभी नहीं बताऊंगा, आगे देखेंगे, ठीक है? अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एनालाइजिंग रिपोर्टिंग ये सारे वर्डिंग्स आएंगे, बट आप अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हो, क्योंकि एनालाइज रिपोर्ट ये सारी चीज़ें आगे आने वाली है। क्लियर? पक्का? एक बच्चा सवाल पूछ रहा है सर अकाउंटेंसी के पेपर में थ्योरी कितने मार्क्स की आती है? बेटा ऐसा समझो कम से कम 30 नंबर की थ्योरी आती है आपकी, 25 से 30 नंबर की थ्योरी रहेगी, है ना? सब बताऊंगा, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो बातें एग्ज़ाम के समय। अभी हम लोगों को एग्ज़ाम में नंबर लाना है कि कॉन्सेप्ट समझना है? अभी कॉन्सेप्ट समझना है, पेपर में नहीं आता है, छोड़ो ना, जीरो नंबर का आएगा, जाने दो। क्या करेंगे पेपर का? पेपर की बातें करेंगे पेपर के समय। सारे टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग पेपर ओरिएंटेड भी देखेंगे कि फिर हम लोग लालची बन जाएंगे एक एक मार्क कैसे हासिल करना है। लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है? सब्जेक्ट का डिटेल्ड नॉलेज लेना है, बराबर है? और एग्ज़ाम के दो महीने पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? जास्ती जास्त मार्क्स पाइजे, आता जास्ती जास्त नॉलेज पाइजे, बराबर? चलो आगे, चल आ जाओ। सो आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दे देना सब लोग। सो नेक्स्ट आ जाओ, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है ना? सो लिखो मेरे साथ साथ, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, राइट? चल आ जाओ, सबसे पहले फटाफट से मेरे साथ साथ लिख लो बेटा, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, लिखो फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग,
फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग इम्पॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, राइट? आज सो क्या कहना है बेटा इसका? बेसिकली बुक कीपिंग इज नथिंग बट, अब इतनी सारी हमने डेफिनेशन देखी, अब ये डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि बुक कीपिंग का फीचर क्या है? जैसे ऐश्वर्या राय के फीचर्स क्या है? भूरी आंखें है, घारी आंखें है, गोरी है, सुनहरे बाल है, हाइटेड है, मस्त है, अच्छी एक्टर है, समझ में आया? ये उसके फीचर्स है। वैसे बुक कीपिंग के भी फीचर्स है, बुक कीपिंग कैसा है। सो बेसिकली बुक कीपिंग देखो बेटा अच्छे से ध्यान देना, इट इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस डीलिंग्स और बिजनेस ट्रांजेक्शन, बरोबर है? सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन को बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है जिससे हम लोग मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं। कंपनी के दो डायरेक्टर का झगड़ा हो गया, क्या इसका रिकॉर्डिंग हो सकता है क्या? नो, क्योंकि झगड़े को पैसों में मेजर नहीं कर सकते। कंपनी के डायरेक्टर को उसकी सेक्रेटरी से प्यार हो गया, इसका रिकॉर्डिंग होगा क्या? नो। मैंने बुक अलमारी खोली, अलमारी में बुक रख दिया, इसका अकाउंटिंग होगा क्या? नो। मम्मी ने चाटा मारा गाल पे, इसका अकाउंटिंग होगा क्या? नो। हम लोग सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करेंगे विच वी कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ। एंड जो भी हम लोग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करेंगे वो एक स्पेसिफिक पीरियड करेंगे, ऐसा नहीं कि उठे सूटे कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लो। नो, जैसे अभी साल चल रहा है आपको समझाने के लिए 24-25, तो 24-25 का रिकॉर्डिंग। सर 24-25 मतलब समझाने, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना, हम लोग एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का ही रिकॉर्डिंग करने वाले, उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन का नहीं। बिल्कुल सही बोला बेटा, एक बच्चे ने लिखा रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। जी हाँ मुन्ना, बिल्कुल सही है। अब एक पर्टिकुलर पीरियड का, स्पेसिफिक पीरियड का ही हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, बरोबर? सर स्पेसिफिक पीरियड का मतलब जैसे अकाउंटिंग ये हम लोग कर रहे हैं अभी करंट ईयर की, समझ लो करंट ईयर है आपको समझाने के लिए। अकाउंटिंग ईयर जनरली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। इसलिए देखो 31 मार्च को बैंकों में छुट्टी होती है, उनका अकाउंटिंग ईयर का आखिरी दिन है। क्यों सर? अकाउंटिंग गुड़ी पाड़वा से गुड़ी पाड़वा, दिवाली से दिवाली, होली से होली, ईद से ईद नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, ये भी एक साल ही है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब भी आप इनकम टैक्स भरोगे, रिटर्न फाइल करोगे, तो उस समय वो जो अकाउंटिंग ईयर देखते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है नेक्स्ट ईयर का। 31 मार्च ये 12 महीने, समझ लो 2021 है, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, तो ये 12 मंथ का एक अकाउंटिंग ईयर हो गया, यस और नो? तो इस पर्टिकुलर पीरियड की सारी एंट्रीज हम लोगों को करनी है इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगले साल की एंट्रीज अगले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो बुक कीपिंग बेसिकली क्या कर रहा है? एंट्रियाँ मार रहा है, एंट्रीज कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, किसका? बिजनेस डीलिंग का। किसका? बिजनेस डीलिंग का, राइट? चलो आ जाओ मैं फीचर्स बता देता हूँ इसके, फिर क्या क्या है। तो सो बच्चों ए बाड़ा ये सांग तो वन बाय वन एक एक फीचर। सबसे पहला, इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, बेटा हर कोई फेयर बुक मेंटेन कर रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और बिजनेस डीलिंग्स, जो लिखना है लिख लो, बरोबर? कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन? सिर्फ वो ही जो हम लोग मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं, उसी को प्यार से फिनेंशियल बोलते हैं। It only records financial transaction। ए राजेश खन्ना, सब साथ में है ना, अच्छे से ध्यान देना, भविष्य बन रहा है आपका। उसके बाद ये सिर्फ financial transaction ही record करेगा।
मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग है, यस और नो। एक स्पेसिफिक ट्रेड के ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, इट रिकॉर्ड्स फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑफ क्या होगा, स्पेसिफिक ट्रेड ओनली, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, इस ब्रेड में इसी ब्रेड के, बिल्कुल सही जा रहा। आगे बढ़ते, उसके बाद इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बराबर है। और एक अगर किसी को एक पॉइंट लिखना है, वैसे तो ऑलरेडी हो गया, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट्स इट। लास्ट वाला पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट फिर भी लिख लो। क्लियर, पक्की बात, डन। फीचर समझ में आए सभी को, सिंपल है। एक और फीचर लिखवा के दे देता हूँ, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि बगैर बुक कीपिंग के अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता। बगैर बुक कीपिंग के अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता। क्लियर, पक्की बात, डन। चलो आगे, पक्का सब लोग साथ में हैं, वेरी गुड। उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, मेरे साथ साथ हर एक चीज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। सब लोग साथ में बेटा, प्लीज ध्यान देना अच्छे से, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। चलो एक काम करता हूँ, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया हुआ है, ये आपका आज का होमवर्क है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। ये आज आप ट्राई करोगे, रफ में या पेंसिल से साइड में लिख करके रखना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। और कल हम लोग देखते हैं कितने बच्चों को बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव समझ में आया। क्लियर है, ऑलरेडी बताया सर, थोड़ा बहुत हिंट दे दो ना। बता देता हूँ, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज ऑर्डर में रिकॉर्ड करना, परमानेंट रिकॉर्ड है। धंधे में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है समझना है, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन यानी औकात समझना है, ओनर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यस और नो। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स है, बताए हैं, ट्राई करना है, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स लेने वाला हूँ। क्लियर, पक्की बात, डन, पक्का। कर पाओगे ऑब्जेक्टिव्स, लिख पाओगे अच्छे से, चल ओके।